हेलो गाइस, वेलकम टू डी क्रिकेट नॉलेज। तो आयरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दो टी20s के लिए इंडिया की स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। स्क्वाड में कौन है, कौन नहीं, किसको मौका मिला है और नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात तो ये है कि एज एक्सपेक्टेड इंडिया के सारे मेन प्लेयर्स को फिर से रेस्ट दिया गया है इस सीरीज़ के लिए। सो नो रोहित, नो विराट, बुमराह, शमी, जडेजा, राहुल और पंत और अय्यर भी इस सीरीज़ में नहीं दिखेंगे। इसीलिए इस सीरीज़ के लिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन और भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन बनाया गया है। बाकी टीम की बात करें तो ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ हैं जो कि फिर से टीम के प्रोबेबल ओपनर्स होने वाले हैं। उसके बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की भी टीम में वापसी हुई है, जिनको देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल त्रिपाठी को भी फाइनली स्क्वाड में जगह मिली है, जिनको देखने के लिए सभी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ दिनेश कार्तिक को एज विकेट कीपर बैट्समैन चुना गया है क्योंकि ऋषभ पंत नहीं होंगे। फिर ऑलराउंडर्स जैसे वेंकटेश अय्यर, दीपक हुडा और अक्षर पटेल को भी चुना गया है इस सीरीज के लिए। बाकी बॉलर्स की बात करें तो यूजी चहल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक है टीम में। तो ये थी पूरे 17 लोगों की स्क्वाड जिन्हें BCCI ने सिलेक्ट किया है आयरलैंड के सीरीज के लिए। ये दोनों T20I 26 और 28 जून को खेली जाएंगी। इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी उसके लिए भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।